હળવદમાં તંત્રની યોગ્ય વ્યવસ્થાને અભાવે શ્રમિકો પગપાળા વતન જવા મજબૂર થયા છે, જેમાં ગત રાત્રે મોરબીથી વધુ 250 શ્રમિકો પગપાળા વતન જવા નીકળ્યા હતા અને વાહનની વ્યવસ્થા ન હોવાથી આ તમામ શ્રમિકો હાલ હળવદમાં ફસાયા હતા. જો કે ગઈકાલે 159થી વધુ અને આજે 250થી મળીને કુલ 400 શ્રમિકો હળવદના જીન વિસ્તારમાં અટવાયા છે. વતન જવા મજબૂર બનેલા આ શ્રમિકોએ વાહનની વ્યવસ્થા કરવા તંત્ર સમક્ષ મદદનો પોકાર કર્યો છે. दो दिन हो गए, खाने की व्यवस्था जो है तो थोड़ा सही है, लेकिन ना तो हमें गांव भेजा जा रहा है ना तो हमें कुछ क्लियर बताया जा रहा है. हमारे जेब में जो पैसे हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमें हमारे घर तक भेजा जाए. हम यहाँ 250-300 आदमी हैं, दो दिन से यहाँ सो रहे हैं. हमें जल्दी से जल्दी हमारे घर भेजा जाए, सरकार से यही हमारी अपील है. हम ऊंची मंडल से आ रहे हैं. बराबर, यहाँ हमें हो गया दो दिन. बराबर, हमारा यही है कि हमें सेफली पहुँचाया जाए वहाँ तक, और जिस जिले के हैं सारे आदमियों को सही से पहुँचाया जाए. तकरीबन 250 आदमी से ऊपर है यहाँ पे. अगर हमें 4 बजे तक नहीं पहुँचाया गया तो सारा आदमी शाम को पैदल निकलेगा.